इधर विजयदशमी के मौके पर नट बिरादरी के लोग अपने पारंपरिक नृत्य नेटुआ नाच के जरिए ईश्वर की अलग ही तरीके से आराधना करते हैं। वैसे तो नेटुआ नाच विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन छपरा के बनियापुर के बरुई गांव में परंपरागत रूप से नेटुआ नाच की परंपरा आज भी जिंदा है, कायम है। और परंपरा को निभाते हुए नेटुआ समुदाय के लोगों ने दरअसल शिव मंदिर परिसर में नेटुआ नाच करके अपने परंपरा निभाई। आज भी देखिए कैसा ये दृश्य होता है जब नेटुआ नाच किया जाता है। छपरा से ये तस्वीरें सामने आई जहाँ पर नेटुआ नाच पर नट समुदाय के लोगों की तरफ से ये अति प्राचीन कह सकते हैं कि परंपरा है, बहुत रेयर अब देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर अब भी यह जिंदा है। नट बिरादरी करती है नेटुआ नाच। शिव मंदिर में नेटुआ नाच का आयोजन किया गया और दरअसल ये बहुत प्राचीन सभ्यता या परंपरा दोनों समझ सकते हैं इसको आप। हालांकि अब लगभग ये विलुप्त की कगार पर है। जहां भी नट समुदाय के लोग होते हैं और खास करके नट समुदाय उनको कहा जाता है जो बंजारे की जिंदगी जीते हैं, आज जहाँ होते हैं 2 महीने बाद कहीं और पाए जाएंगे और घुमक्कड़ एक तरह से नेचर होता है, लेकिन हर जगह अमूमन पहले इस तरीके के नृत्य होते थे, मनोरंजन का एक जरिया भी होता था, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे और लोगों के बीच में समुदाय के बीच में एक अलग पहचान होती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त तो होती जा रही है। तो नट बिरादरी करती है नेटुआ नाच। तो विजयदशमी के मौके पर ये नृत्य देखा गया, बनियापुर में देखा नेटुआ नाच, छपरा की तस्वीरें सामने आई। शिव मंदिर में इस नृत्य का आयोजन किया गया था कि अति प्राचीन और पुरानी परंपरा है जहाँ पर कह सकते हैं छोटे छोटे जो डमरू होते हैं उनके थाप पर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और जो कलाकार होते हैं वो उसी समुदाय के बीच के होते हैं। तो शिव मंदिर में ये नाच का आयोजन किया गया था, इसको नेटुआ नाच कहा जाता है। और इन सब के तर ये कहा जाता है कि दरअसल पहले आज से 1 या 2 पीढ़ी पहले इसी तरीके से हर जगह यह नृत्य प्रचलित था, लेकिन जैसे जैसे समुदाय सिमटता जा रहा है वैसे वैसे ये परंपरा खत्म होती जा रही है।